नमस्कार, मैं अभिजीत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका P3 बुलेटिन में, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी तमाम 10 बड़ी खबरें। देश भर में ईद उल अजहा की रौनक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अदा की गई नमाज। मानसून की मेहरबानी से आफत, देश के 9 राज्यों में बाढ़ का कहर। CBSE बोला नहीं बढ़ाई 24 गुना फीस, दूर किया कन्फ्यूजन। देश के सभी छात्रों के लिए यह फीस 750 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया था। दृष्टिहीन छात्रों के लिए कोई भी शुल्क नहीं। सेना ने कहा POK में लॉन्च पैड पे आतंकियों का जमावड़ा, हर रात होती है घुसपैठ की कोशिश। राष्ट्रपति और PM मोदी ने देश भर के लोगों को दी ईद उल अजहा की बधाई। 2 दिनों में 9 अंक मजबूत हुआ सेंसेक्स, निफ्टी ने भी की रिकवरी। रन मशीन कोहली का कहर, 42वां शतक जड़कर सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। दिग्विजय सिंह बोले सावधान रहे मोदी सरकार, वरना हम खो देंगे कश्मीर। देहरादून के कई जिले बारिश से प्रभावित, 100 से भी अधिक रास्ते बंद। चीन के उपराष्ट्रपति वांग चिशान से मिले विदेश मंत्री S. जयशंकर। पीटी न्यूज बुलेटिन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।